नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। सैफनी थाना क्षेत्र के ग्राम सागरपुर के प्रधान हाजी इरफान बीते दिनों किशनपुर गांव से दावत खाकर लौट रहे थे, तभी अचानक कब्रिस्तानों के पास हमलावरों ने प्रधान पर फायरिंग कर दी, जिसमें प्रधान घायल होकर गिर गया। सामने से एक बाइक आती देख हमलावर भाग गए। सूचना मिलने पर परिजनों ने घायल अवस्था में देख आनन-फानन में उपचार हेतु मुरादाबाद ले जाकर एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं सूचना पर पहुंचे सैफनी थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर उच्च अधिकारियों को फायरिंग की सूचना दी। सूचना मिलते ही उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और प्रधान को होश आने पर बयान के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, जिसमें प्रधान के पुत्र आयान ने 2 अज्ञात व 4 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर चारों आरोपियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं मीडिया के साथ वार्ता करते हुए प्रधान कई बार भावुक हो गए। प्रधान ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी और उनके नामजद थाने में तहरीर भी दी थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर नामजद लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन बाद में उनको छोड़ दिया। पुलिस का कहना था कि पहलुओं की जांच चल रही है। प्रधान का आरोप है कि जिन लोगों को पुलिस ने पकड़ा है उन्हें छोड़ दिया गया और वह लोग लगातार धमकी दे रहे हैं। प्रधान व उनके परिवार को उन लोगों से खतरा है, क्योंकि वे लोग खुलेआम घूम रहे हैं। ग्राम प्रधान का कहना है कि जिन लोगों ने उनके ऊपर हमला किया उन लोगों को पहचान लिया गया, जिनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। प्रधान ने पुलिस अधीक्षक से भी अपनी पीड़ा बताई। प्रधान का कहना है कि अगर उनकी सुनवाई यहां नहीं होती है तो वे मुख्यमंत्री योगी से शिकायत भी करेंगे। उनका कहना है कि वो और उनका परिवार असुरक्षित है। परेशानी क्या है, अखबारों में झूठी खबरें छाप रहे हैं और जिन लोगों को पकड़ा था उन्हें छोड़ दिया और वो आज भी धमकियां दे रहे हैं, झूठी सच्ची बातें करते फिर रहे हैं। और मैंने पुलिस से ही बात करी थी, अधिकारियों सब लोगों से, वो भी मना कर रहे हैं, बोले किसी से हमारी कोई बात ना हुई है, ना ही हमारी बात पर उन्होंने खबर छापी है, ना हमारी किसी पत्रकार से बात हुई है। मैं इन्होंने पैसे ले देकर झूठी खबरें छाप दी हैं। इन लोगों से आज भी मुझे डर है जो छुट्टा घूम रहे हैं, और मेरे बच्चों को भी डर है, जान माल का खतरा मुझे। और बात तो मैंने एसपी साहब से भी गया था, कप्तान साहब को पास मिलने, उन्होंने भी कह दी विवेचना चल रही है, मगर कोई गिरफ्तारी ना हो के साथ। आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ जिन लोगों ने मेरे ऊपर हमला कराया मैंने खुद अपनी आँखों से पहचाना है, पहचानने के बाद में खुद देखने के बाद में नाम एप्लीकेशन दिए मगर उन्हें पकड़ के छोड़ दिया गया है और वो छुट्टा घूम रहे हैं। आज भी उल्टी उल्टी बातें आ रही हैं दुनिया भर की, मानने की धमकियां दे रहे हैं। अगर आपको यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा तो फिर क्या करेंगे? मैं साहब योगी साहब के भी पास जाऊंगा और जहाँ तलक भी है वहाँ तलक भागूंगा मैं साहब, मेरा और मेरे बच्चों का। मैं अपने बच्चों की सूरत कैसे देखता, मैं मर जाता तो मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैंने कोई बच्चे की शादी तो करी, छोटे छोटे बच्चे मैं उन्हें छोड़ के कैसे मैं गोली लगवा लूँगा, अपने पेट पर कोई गोली लगवा लेगा बताओ आप? मैं इंजेक्शन लगवाते हुए डरता हूँ, मैं गोली लगवा लूँगा पेट पर अपनी, जो जान संभालने का काम करूँगा। मेरे साथ में जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है और मुझे इन लोगों से बहुत खतरा है, मेरी आगे तलक बात पहुँचाई जाए, मेरा यही कहना है।